उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे। आप लोगों को आप ही चैनल पे वेलकम करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में दोस्तों डिस्कस करेंगे BTC की नेक्स्ट क्या अपडेट है, इसके बाद दोस्तों लूना क्लासिक की क्या न्यू अपडेट निकल के आ रही है, और दोस्तों इसके अलावा दोस्तों डिस्कस करेंगे शिबा इनू के बारे में और लूना क्लासिक के बारे में भी, और ओवरऑल जो भी दोस्तों मार्केट की न्यूज है वो भी डिस्कस करेंगे। अगर टोटल मार्केट कैप चेक करें तो वो दोस्तों चल रही है $947 बिलियन, और यहाँ दोस्तों आप 24 का वॉल्यूम देख सकते हैं। आप दोस्तों का बिट्स की डोमिनेंस देखिए तो वो दोस्तों चल रही है 42.7, और इथेरियम की डोमिनेंस जो चल रही है दोस्तों 15.2 चल रही है, और यहाँ दोस्तों आप इथेरियम की प्राइस देखें तो वो दोस्तों चल रही है $1191, और अगर दोस्तों बिटकॉइन की प्राइस देखें तो वो चल रही है $21,245, और दोस्तों बिटकॉइन जो है वो दोस्तों 3% अप है, और इथेरियम जो है दोस्तों आपको 7.62% अप है। यहाँ पर दोस्तों BNB की प्राइस देखें तो वो चलिए दोस्तों $237, और BNB जो है दोस्तों 5.23% अप है। इसके अलावा दोस्तों हम देखें सोलोना जो है वो दोस्तों 9% अप है, और सबसे ज़्यादा जो है और पॉलीगोन जो देखें, पॉलीगोन भी दोस्तों काफ़ी हाई लेवल पे अप है। पॉलीगोन जो है वो दोस्तों आपका यहाँ पे आप नीचे चेक कर सकते हैं 17.16% अप है, और पोलकाडॉट जो है वो दोस्तों आपका 6.29% अप है, और शिबा इनू जो है वो दोस्तों 8% अप है। यहाँ पे डिफरेंट आप अदर करेंसीज भी चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पे दोस्तों आप चेक करें तो ट्रेंडिंग में जो दोस्तों इस टाइम टॉप 3 करेंसीज चल रही हैं वो दोस्तों चल रही हैं सेल्सियस, लूना क्लासिक, बिटकॉइन, और यहाँ पे आप सोलाना और शिबा इनू को भी इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप टॉप 5 पे देखें तो चेक कर सकते हैं डिफरेंट गेनर और लूजर्स। तो इसमें अगर आप गेनर में चेक करें तो गेनर में आपको जो है वो दोस्तों टेरा क्लासिक USDT जो है USDC जो है वो दोस्तों वो गेनर में चल रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर हम चेक करें तो एक दोस्तों मेटावर्स MVP जो है वो दोस्तों गेनर में है। यहाँ पर डिफरेंट गेनर्स चेक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर BTC के बारे में डिस्कस करें तो ये मेरे पास BTC की मंथली चार्ट है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 17,000 ये मैंने एरिया जो है वो दोस्तों मार्क करके रखा हुआ है, जो कि दोस्तों आपका 17,200 का लेवल है, और 17,200 से लेकर दोस्तों 20,000 का लेवल जो है दोस्तों मैंने मार्क किया हुआ है। तो मैं इस लेवल को देख रहा हूँ 20,500, आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं BTC जो है, अगर आप इसको अभी शॉर्ट टाइम फ्रेम में हम देखते हैं तो 4 आवर्स में क्या हो रहा है। तो मैं इसको रीसेट करते हैं चार्ट को, तो मैं आपके साथ डिस्कस करते हैं। अच्छा, BTC में अगर आप वॉल्यूम देखें तो आपको जो है दोस्तों BTC में अच्छा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। अभी दोस्तों जो BTC ट्रांजेक्शन आपका फेस कर रहा है वो है दोस्तों 21,700 के लगभग जो है वो दोस्तों, ये एरिया जो है वो दोस्तों अभी BTC का रेजिस्टेंस क्या है। आप यहाँ पे इसको अगर जूम आउट करें तो ये दोस्तों लगभग जो है वो आपका 360 का एरिया है, लेकिन मैं इसको यहाँ तक नहीं लेके जाऊँगा। मैं इसको इस एरिया को कंसीडर करूँगा जो कि दोस्तों 21,700 का जो करंट रेजिस्टेंस है। तो ये दोस्तों जो है वो काफ़ी अहम रेजिस्टेंस है, ये सारा एरिया जो है दोस्तों रेजिस्टेंस क्या है। अगर BTC 21,700 से ऊपर जो है फॉरवर्ड की कैंडल क्लोज करता है तो हम दोस्तों अगेन जो है 22,500 तक BTC को देख सकते हैं, और यहाँ दोस्तों आप चेक कर सकते हैं BTC। इसके अलावा दोस्तों आप चेक कर सकते हैं काफ़ी दोस्तों बिग न्यूज़ निकल के आ रही है शिबा इनू और दोस्तों बिटकॉइन के हवाले से। दोस्तों लैटिनो ग्रासी स्टोर्स में दोस्तों 59 लैटिनो ग्रासी स्टोर्स में बिटकॉइन और शिबा इनू के जो है दोस्तों ATM जो है दोस्तों इंस्टॉल कर दिए गए हैं। आप यहाँ पे इस न्यूज़ के बारे में कंप्लीट रीड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो है वो दोस्तों रशिया पार्लियामेंट प्रपोज अपील टू फाइंड दोज हु इलीगली इशू आर एक्सचेंज, यानी कि दोस्तों जो भी दोस्तों इलीगल तरीके से दोस्तों रशिया में जो है वो दोस्तों क्रिप्टो की सर्विस वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनको जो है वो दोस्तों इन्होंने एक बिल पेश किया अपनी पार्लियामेंट में कि उनको जो है वो दोस्तों बैन कर दिया जाए। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर डिफरेंट अदर न्यूज़ भी चेक कर सकते हैं। इसमें दोस्तों अगर फियर एंड ग्रीड इंडेक्स चेक करें तो वो दोस्तों अभी इस टाइम चल रहा है दोस्तों 11% पे, और दोस्तों इसके अलावा दोस्तों हम चेक करें तो सेल्सियस जो है वो दोस्तों उन्होंने जो है वो दोस्तों विड्रॉ जो है वो पास कर दिया है। आप कोई भी ट्रांसफ़र और स्वैप नहीं कर सकते फॉर अवर 11 डेज, क्योंकि इस बिकॉज ऑफ दी एक्सट्रीम मार्केट कंडीशन। दोस्तों बिग अपडेट आ रही है, सोलोना हैज लॉन्च द ऑफ इट्स ओन स्मार्टफोन, यानी सोलोना जो है वो दोस्तों अपना जो है दोस्तों स्मार्टफोन जो है दोस्तों लॉन्च करने जा रहे हैं, अपना मोबाइल लॉन्च करने जा रहे हैं, और यहाँ पर दोस्तों आप इसके बारे में रीड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा दोस्तों डिस्कस करते हैं लूना क्लासिक के हवाले से। लूना क्लासिक जो है वो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका चार्ट, और लूना क्लासिक अगर आप यहाँ पे सिंपल सा एक आप यहाँ पे अगर हम इसका ये एरिया बनाएं तो काफ़ी टाइम से सोलोना जो है दोस्तों अगर आप इसको ये रेंज भी हम एक ये रेंज अभी हम कंसिडर कर सकते हैं। चलो हम इसी रेंज को मान लेते हैं,
तो अगर हम इस रेंज के हिसाब से देखें तो ये एरिया जो है वो दोस्तों इसको बॉटम बनता है, और यहाँ पे दोस्तों जो है ये एरिया आप इसको इस एरिया को सेट कर सकते हैं 57 से 56। और लूना क्लासिक आप देख सकते हैं, इसने दोस्तों ये विक बनाई है, यहाँ तक इसकी विक कही है 6000 जो है वो दोस्तों अभी ये जो है वो करंट जो है वो दोस्तों रेजिस्टेंस को जो है वो फेस कर रहा है। अगर दोस्तों आप इसको एक लंबी रेंज लगा के चलते हैं, चलो हम थोड़ी लंबी रेंज बना लेते हैं, तो आप इसको अगर यहाँ से रेंज बनाएं, यहाँ से मैं इसको बनाता हूँ और मैं इसको ये एरिया बनाते हैं, तो इस एरिया के हिसाब से देखें तो ये एरिया जो है वो ना ये एरिया जो है वो दोस्तों अभी इसके लिए मिड की रेंज बनती है यहाँ से ये एरिया, और इसी एरिया से जो है वो दोस्तों ड्रॉप और इसने विक जो है वो दोस्तों 6000 तक लगाई है। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट यही है कि दोस्तों ये इस एरिया को क्लियर करें, और फिर दोस्तों ये जो है ना अपर रेंज जो है इसकी जो भी बन रही है इस एरिया को ये टेस्ट इसको करना चाहिए। अगर दोस्तों ये इसको ब्रेक करता है तो फिर हम जो है वो दोस्तों नेक्स्ट एरिया की तरफ जा सकते हैं, और इस एरिया में देखें तो ये एक ब्रेकर कैंडल है, इसके ऊपर जो है वो दोस्तों 6700 से जो है ना ऊपर जो है इसके लिए कैंडल क्लोज करना इम्पॉर्टेंट है। 6700 से ऊपर आए ना अगर ये और यहाँ पे सपोर्ट बनाए तो फिर हम जो है वो नेक्स्ट इसका अच्छा मूव जो है हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो है वो ये काफ़ी टाइम से इसी रेंज में घूम रहा है, और काफ़ी टाइम हो गया, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये देखें काफ़ी टाइम से इसी रेंज में ही है, ये देखें आप तकरीबन 1 से 2 वीक होने वाले हैं इसी रेंज में घूम रहा है, ये यहाँ तक गया एक बार फिर यहाँ से ड्रॉप हुआ। अगर हम मैं इसको आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ इसमें MF में देखें हम, हाँ से सॉरी फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देखें ना ये दिस एरिया एंड दिस एंड दिस एंड दिस, और मे बी अब ये अगेन जो है वो ये इस एरिया की तरफ इसको जाना चाहिए, या शायद यहाँ तक आए फिर, और फिर हम इसको इस एरिया की तरफ देख सकते हैं, तो इसको अगेन इस एरिया को टेस्ट करना चाहिए, और इसमें अच्छा खासा पोटेंशियल है, यहाँ से भी जा सकता है, और यहाँ से अब मैं अगर इसको यहाँ से कंसिडर कर लूँ तो यहाँ से भी जा सकता है, लेकिन इस एरिया तक ईजीली जाएगा। तो अगर हम दोस्तों हम चेक करते हैं तो काफ़ी दोस्तों इसकी अच्छी खासी मार्केटिंग भी हो रही है, और ट्रेंडिंग में भी चल रहा है लूना क्लासिक जो है वो आपका, और इसकी दोस्तों जो प्रपोजल जो है वो दोस्तों काफ़ी प्रपोजल भी जो है वो दोस्तों एक्सेप्ट हो चुके हैं, और यहाँ पे आप डिफरेंट प्रपोजल भी इसके चेक कर सकते हैं, काफ़ी पोटेंशियल भी लग रहा है दोस्तों, ये देखें आप यहाँ पे अगर इसके प्रपोजल चेक करें तो री एनेबलिंग स्टेकिंग का भी प्रपोजल जो है वो भी दोस्तों एक्सेप्ट हो चुका है, डिस्ट्रीब्यूट 50% फीस वाला भी एक्सेप्ट हो चुका है, और इसमें दोस्तों अच्छा खासा स्पाइक आपको देखने को मिल सकता है, ये देखें आप डिफरेंट जो है काफ़ी सारे प्रपोजल्स जो है इसके एक्सेप्ट हो रहे हैं, अब देखते हैं कोई न्यू प्रपोजल आता है कि नहीं, क्योंकि मुझे अच्छा खासा दोस्तों इसमें अभी पोटेंशियल लग रहा है, और यहाँ पे देख सकते हैं 51% जो है वो दोस्तों टर्न आउट इनको मिला है। तो इसी क्यों न्यू अपडेट्स इसके ट्विटर अकाउंट के ऊपर तो नहीं आ रही है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास अजीब अजीब चीज़ें निकल के आई हैं, एक तो आपके ये डोनाल्ड ट्रंप साहब आ गए हैं, इसके बाद ये प्रेसिडेंट बाइडन आ गए हैं जी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे के सारे मेरे साथ वही आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे कोई न्यू अपडेट नहीं आ रही भाईजान इसकी, सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपके TFM जो है वो काम के हवाले से जो है एक अपडेट निकल के आ रही है, लेकिन यार मुझे लूना क्लासिक और शायद लूना 2.0 होगा तो मुझे नहीं पता, अभी पता नहीं क्या फ्यूचर नहीं करता, लेकिन लूना क्लासिक जो है ना इसका मुझे सही लग रहा है, टर 2.0 की पर भी काम तो चल रहा है, लेट्स सी क्या बनता है। सो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर मोर वीडियोस, टेक केयर, गुड बाय, फन चैंस।